बहुत सारे वाईफाई यूजर्स ने पूछा है कि अगर जो हम वाईफाई का पासवर्ड चेंज करते हैं तो उसके बाद हमारे जो डिवाइस हैं मोबाइल या फिर लैपटॉप्स वो कनेक्ट होते ही नहीं है। एक प्रोसेस स्टार्ट होता है और थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है, वो प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट होता रहता है और डिवाइस कनेक्ट नहीं होता है। तो आखिर में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, आगे बात करते हैं इस वीडियो में। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो गाइस, आपने भी देखा होगा कि जब आप वाईफाई का पासवर्ड चेंज करते हैं तो उसके बाद आपका मोबाइल या फिर लैपटॉप कनेक्ट नहीं होता है, उसमें एक प्रोसेस चालू हो जाता है, वो बार बार कनेक्ट होने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद वो फेल हो जाता है। साथ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जो वाईफाई यूजर्स होते हैं उन्होंने पूछा है कि जैसे कि कोई वाईफाई कनेक्शन लिया उन्होंने, ठीक है, वाईफाई कनेक्शन लिया, आफ्टर दैट वो देखते हैं कि उनके मोबाइल में सिग्नल भी शो हो रहा है और कनेक्ट भी हो रहा है, पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके लैपटॉप में वाईफाई का सिग्नल नहीं हाईलाइट हो रहा है, है ना। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आखिर में इस टाइप की प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है, हम इस वीडियो में इसी टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने के बाद हमारा डिवाइस ऑटोमेटिक कनेक्ट क्यों नहीं होता है। तो जैसे ही हम वाईफाई डिवाइस में लॉग इन करके वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर देते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या फिर लैपटॉप्स हैं उसकी मेमोरी में वाईफाई का नाम और उससे रिलेटेड पासवर्ड, ये दो चीज़ें सेव रहती हैं और वो ऑटोमेटिक चेंज भी नहीं होती हैं। तो इसी वजह से जब आप वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर देते हैं उसके बाद भी हमारे मोबाइल या फिर लैपटॉप की मेमोरी में जो वो वाईफाई का नेम है एंड पासवर्ड है वो सेम टू सेम सेव रहता है। अब आपने वाईफाई का नेम तो चेंज किया नहीं है तो प्रॉब्लम यही आएगी कि वो वाईफाई का नेम वही लेगा एंड उससे रिलेटेड जो पासवर्ड फर्स्ट टाइम सेव हुआ था वही है। तो जब पासवर्ड मिसमैच हो जाता है इस कंडीशन में कनेक्ट होगा ही नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? दोस्तों अब आपको लाइव यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये हमारा मोबाइल है जो कि टेंडा वाईफाई से कनेक्ट है एंड राइट नाउ हम इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं। यहाँ पे हमने ब्राउजर खोल लिया है और ब्राउजर में टेंडा को एक्सेस कर रहे हैं जैसे कि ये प्रूव हो जाए कि हमारा मोबाइल वाकई में टेंडा डिवाइस से कनेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंडा डिवाइस लॉग इन कर चुके हैं हम और वैन पोर्ट अनप्लग्ड है। ओके, यहाँ पे अभी हम जाते हैं वायरलेस सेटिंग में एंड अब देखेंगे इसके वाईफाई के पासवर्ड को चेंज करके। मैं आपको बता दूँ कि हमारा मोबाइल टेंडा डिवाइस से कनेक्ट है तभी ये एक्सेस हो रहा है और अब हम देखेंगे कि इसमें कुछ चेंज करेंगे जिसके वजह से इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड को चेंज कर दिया है, जहाँ पे पासवर्ड 1234 1234 था वहाँ पे हमने 1234 के बाद QWER कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेंडा डिवाइस कनेक्ट होने की प्रोसेस चालू है एंड फेल हो गया। यहाँ पे अभी फिर से चालू होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया एंड थोड़ी देर बाद फिर से फेल हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, मैं इस टाइप की प्रॉब्लम को समझाना चाह रहा था और इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, घंटों लग जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम को आखिर में सॉल्व कैसे करें। तो आज इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम को। वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ उन दोस्तों को शेयर कर दें जो वाईफाई यूज़ करते हैं, चाहे कोई साइरोटेक यूज़ कर रहा हो या फिर सारबीजन यूज़ कर रहा हो या फिर एयरटेल एक्सट्रीम या फिर जियो फाइबर के डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी आप वाईफाई का पासवर्ड चेंज करते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती ही आती है। सो इस टाइप की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हम आगे क्या करेंगे, हम इसे इस नेटवर्क को फॉरगेट कर देंगे, जैसे कि ये टेंडा दिख रहा है ना, इसको फॉरगेट कर देंगे। एरो के निशान पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर टॉप में ही फॉरगेट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस टेंडा नेटवर्क को फॉरगेट कर देंगे, मींस हमारे डिवाइस में इससे रिलेटेड जो नेम एंड पासवर्ड सेव था उसे हम फॉरगेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अगेन अब ये पासवर्ड मांगेगा, जब आप दोबारा कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। तो अब आप नया पासवर्ड डाल के ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नया वाला पासवर्ड डाल दिया और अब हमारा स्मार्टफोन टेंडा डिवाइस से कनेक्ट हो गया। तो ये है तरीका। अगला प्रॉब्लम ये है कि आपके मोबाइल में वाईफाई का सिग्नल दिखा रहा है पर आपके लैपटॉप में सिग्नल नहीं दिखा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपके लैपटॉप में वाईफाई का सिग्नल दिखा रहा है पर आपके मोबाइल फोन में नहीं दिखाएगा। इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी वाईफाई डिवाइस होता है तो वो क्या करता है, जो सिग्नल्स होते हैं, जो तरंगें होती हैं, वो एक फ्रिक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट होती रहती हैं, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रिक्वेंसी आपके वाईफाई डिवाइस से ब्रॉडकास्ट हो रही है वो आपके कुछ डिवाइसों को सपोर्ट ना करें, वो सेंस ही नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में होता ये है कि हम क्या करते हैं, वाईफाई का चैनल चेंज करते हैं।
वाईफाई का चैनल चेंज करने के लिए सबसे पहले हम वाईफाई डिवाइस में लॉगिन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल हम टेंडर डिवाइस के साथ कर रहे हैं। एंड अगर जो आपके यहाँ कोई भी डिवाइस हो तो आप इसी तरह से लॉगिन करेंगे। आईपी एड्रेस आप देख लीजिएगा कि उस डिवाइस के पीछे आईपी एड्रेस क्या लिखा हुआ है, देन उसके बाद वो डायल करेंगे तो लॉगिन पेज खुल जाएगा एंड देन यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वायरलेस सेटिंग पे जाना है, वायरलेस सेटिंग। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरलेस सेटिंग हमने खोल दिया है। वायरलेस सेटिंग में आप देखेंगे तो नीचे को वायरलेस चैनल आपको शो करेगा। तो हमने क्या करना होता है, उसमें कई सारे नंबर्स होते हैं और हर नंबर पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, तो हम वन बाई वन एक एक वाईफाई को अप्लाई करके चेक करेंगे कि अब हमारे सारे डिवाइसों में कनेक्टिविटी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरलेस पैरामीटर्स में नेटवर्क ऑप्शन एंड वायरलेस चैनल दूसरे नंबर पे मिल जाता है जो कि अभी ऑटोमेटिक सेक्शन पे है। तो हम इसको एक नंबर पे लगा के अप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट हमारा जो डिवाइस है वो थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होगा एंड देन फिर से कनेक्ट हो जाएगा। और फिर से हमने चेक करना है कि जो हमारे दूसरे डिवाइस हैं जिनमें वाईफाई का सिग्नल नहीं दिखा रहा है, अब क्या उसमें वाईफाई का सिग्नल दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक नंबर का सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट अगर जो नहीं दिखाता है तो फिर हमको दो नंबर का सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से वन बाय वन चैनल को अप्लाई करके और चेक करना है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है 99% चांसेस होते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो देखा आपने ये दोनों ही टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट थे और इसको समझना बहुत जरूरी था। सो गाइस हमने इस वीडियो में इस टॉपिक्स पे बात कर ली है। हम इस टाइप के ही वीडियोस लाते रहते हैं इंपॉर्टेंट एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने उन फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप के द्वारा फेसबुक के द्वारा शेयर जरूर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ पाएं एंड बेनिफिट ले सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में मिलेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स के लिस्टेड लिंक वगैरह शेयर कर रखे हैं जो कि आपके लाइफ को इजी बना सकते हैं, जैसे कि आपके वाईफाई के लिए पावर बैंक, साथ ही साथ स्लाइडिंग सीढ़ी हो गया और बहुत ही अच्छे अच्छे और भी आइटम्स जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे आइटम्स के लिंक शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें एंड उस आइटम्स को परचेस करें। एंड आपको अगर जो कोई भी आइटम चाहिए होगा तो आप प्लीज़ हमारे लिंक के द्वारा ही आप अमेज़ॉन पर विजिट करें एंड देन प्रोडक्ट्स की परचेसिंग करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको अगला वीडियो अब किस टॉपिक पे चाहिए और साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा अपने मित्रों में लिंक शेयर जरूर करें जिससे कि हम इंडिया में टेक्नोलॉजी का विकास कर सकें।